नेपाल के बैलन शाह ने अपने इस फैसले से नेपाल के अंदर इतिहास रच के रख दिया है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो फैसला है वो है गारबैग्स को बेचने का, यानी कि कूड़ा करकट वो भी बेचने का, और उससे भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ों की कमाई इससे भी करी जा रही है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। हर कोई शॉक होगा इस बात से कि कौन इस कचरे का करोड़ों रुपए देगा और किस तरह से इसे मेंटेनेंस किया गया है। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि पहले एक स्कीम जो लॉन्च की गई थी जब वो मेयर बने थे उसी समय, वो स्कीम अब काम आ रही है और लोगों के दिमाग की बत्ती जल रही है, जिससे कि इस गारबैग्स को एक बड़ी कीमत के तौर पर खरीदा भी जा रहा है। आखिरकार क्या स्कीम थी ये भी जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब यहाँ पे बैलन शाह मेयर बने थे नए, उस समय उनका सबसे पहला काम यही था, क्योंकि उन्होंने भाषणों में कहा था कि मैं गंदगी को दूर कर दूंगा काठमांडू की, और उन्होंने अपने बुलडोजर के सहारे जो काम किया वो पहले यही किया था कि उन्होंने जो कूड़ा करकट है या फिर जो नेपाल के काठमांडू शहर का यहाँ पे गारबैग्स है वो एक जगह एकत्रित किया। उसके बाद वो मेंटेनेंस कैसे रखा जाए, उसे कैसे सोल्व किया जाए, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे उससे एनर्जी बनाने की सोची, और वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसिव काम रहा। जैसे कि उन्होंने एक फैक्ट्री के जरिए उस गारबैग्स का इस्तेमाल करके ऊर्जा ग्रहण करी, जिससे कि एक तरफ तो गारबैग्स का निपटारा हो रहा था, दूसरी तरफ हमें एनर्जी भी मिल रही थी जिसका हम अलग अलग तरह से उपयोग भी कर रहे थे। इस चीज़ का अब यहाँ पे हर कोई भी फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि गारबैग्स सस्ता मिलता है, क्योंकि गारबैग्स बड़ी मात्रा में मिल सकता है काठमांडू जैसे महानगर के अंदर, तो इसी को लेकर यहाँ पे गारबैग्स का निपटारा करना आसान हो गया है। आखिरकार मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दो तरह के गारबैग्स बेचे जा रहे हैं नेपाल के काठमांडू शहर से। एक तो वो जो कि जीवों से हम कह सकते हैं, या फिर गिद्ध वगैरह जो भी मरते हैं, या फिर जो भी पशु पक्षी मरते हैं उसका गारबैग्स बेचा जा रहा है, उसका कूड़ा करकट बेचा जा रहा है, या फिर उसके अवशेष बेचे जा रहे हैं। उसकी कुल कीमत की बात करूँ तो वो है 22,40,78,000 रुपये। आप सोच कर भी हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा अमाउंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक अवशेष के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत है और क्योंकि उनसे कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप जूतों से लेकर आप अपने जैकेट, जो कि लग्जरी जैकेट कहा जाता है, वो चीज़ तक बनाई जा सकती है, तो उनकी काफ़ी बड़ी कीमत है। उसके बाद अगर बात करें ये पॉलीथीन्स वगैरह की जो गारबैग्स आते हैं उनके लिए भी लगभग 2.5 करोड़ रुपये में इसकी डील की गई है। इससे यहाँ पर दो फायदे हो रहे हैं। एक फ़ायदा ये हो रहा है कि काठमांडू का जो गारबैग्स है वो सारा का सारा निपटारा हो जाएगा। एक सुंदर सिटी जो कि पहले से ही बनी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन ज़रूर यहाँ पे गारबैग्स का बड़ा कचरा रहता है, इस चीज़ का निपटारा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और दूसरी ओर एक और बड़ी चीज़ ये भी है कि इस गारबैग्स को कोई फेंका नहीं जा रहा, इसका गारबैग्स का निपटारा किया जा रहा है। तभी तो कहते हैं कि अगर आपके पास एक सूटेबल मेंटेनेंस तरीका हो, किसी भी चीज़ को मेंटेन करने का तरीका हो, तो कंफर्म आप उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, कंफर्म आप उस चीज़ को एक बड़े डेवलपमेंट की ओर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे नेपाल के बैलन शाह ने करके दिखाई है, यानी कि जो वादा किया था वो तो पूरा हो ही रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस कूड़े करकट का निपटारा कर दूंगा, दूसरी ओर इसी कूड़े करकट का उपयोग करके अब एनर्जी भी बनाई जा रही है। वो एक बहुत ही बड़ी बात है और वो एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया मुझे लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे को नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आज रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।